अब आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर एमजी रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। आज बंद बुलाया गया है कोलकाता में, 12 घंटे का यह बंद है। इस दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं कई इलाकों से आ रही हैं। अभी एमजी रोड की तस्वीरें देखिए, यहां पर ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। हालांकि कहा यही जाता है कि हिंसा नहीं होगी, लेकिन इन तस्वीरों में ये झुटलाता हुआ दिख रहा है। सुकांत जी, दिन भर हम देख रहे हैं जहां जहां बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, पुलिस सख्ती बरत रही है, क्या अंदेशा है? देखिए, पुलिस का काम यही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के लीडरशिप के ऊपर सख्ती बरतना। आप देखेंगे कि आज भाटपाड़ा में गोली चल गया, 3 राउंड गोली चली है कम से कम, हमारे कार्यकर्ता आहत भी हुए, लेकिन पुलिस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं के पीछे भाग रही है पुलिस, यही ममता बनर्जी की पुलिस है, नाकामयाब नालायक पुलिस है। और उससे भी ज्यादा नालायक, जिसने इस पुलिस को नालायक बनाया, वो हमारा इस स्टेट का होम मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी है। सरकार डरी हुई है इस बात को लेकर, बीजेपी सड़कों पर पूरी डरी हुई है सरकार। ममता बनर्जी खुद नहीं दिख रही है, आज आएंगे 69 ईयर्स का छात्र आज आएंगे, महिला छात्रा, वो आके छात्रों को आज संबोधित करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कड़ी आलोचना सुकांत मजूमदार जो राज्य अध्यक्ष है उनके तरफ से तृणमूल के खिलाफ इस बंद को लेकर। कैमरा पर्सन गिरजीत के साथ आज तक के लिए कोलकाता से।